हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी फॉर नेट हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक मेथड्स ऑफ टीचिंग और आज उसका लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स आई होप पहले के मेथड्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले उन लेक्चर्स को देखिए और फिर लर्नर सेंटर टीचिंग मैथड्स को देखिए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स क्या कहते हैं जो मेन फोकस होता है जिस पे लर्नर का लर्नर खुद से कुछ ना कुछ इसमें अप, आ, सीखने की कोशिश करते हैं और नए आइडियाज़ को क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसको हम इंडिविजुअलाइज्ड मेथड्स भी कहते हैं चलिए एक एक करके मेथड्स को देखते हैं द लर्नर सेंटर टीचिंग मैथड्स ट्राई टू अकोमोडेट द डिफ्रेंसिस डिस्प्लेड बिटवीन द लर्नर्स लर्नर सेंटर मैथड्स क्या करते हैं ट्राई uh, uh, मतलब डिफ्रेंसेज जो भी लर्नर्स के बीच के डिफरेंसिस को पता करने की हेल्पफुल हैं कि मतलब कौन सा लर्नर किस तरह से अपनी लर्निंग कैपेबिलिटीज को कम्प्लीट कर रहा है या कितना वो नई नई नॉलेज को गेन कर पा रहा है ठीक है तो इसमें फर्स्ट मेथड है हमारा असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स आर गिवन टू स्टूडेंट्स फॉर अ नंबर ऑफ परपजेज सच एज फॉर एक्वायरिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन सर्विंग एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अक्सर आपने स्कूल या कॉलेजेस में देखा होगा कि टीचर्स हमें कुछ ना कुछ असाइनमेंट्स देते थे ठीक है करने के लिए क्यों देते थे ताकि हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर सकें या कुछ भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को एप्लीकेशन नॉलेज को क्या कर सकें सॉल्व कर सकें ऑल द मेन रोल इज ऑफ द लर्नर द टीचर टीचर टू हैज अ क्रूशियल रोल इसमें मेन रोल तो लर्नर का होता ही है लेकिन टीचर भी कुछ ना कुछ इसमें क्रूशियल रोल का करता है अपना देता है द टीचर हैज टू प्लान द असाइनमेंट्स एंड गाइड द स्टूडेंट रिगार्डिंग रेफरेंस फॉर कलेक्टिंग रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन टीचर क्या करता है असाइनमेंट्स को प्लान करता है स्टूडेंट्स को गाइड करता है कि उनको किस किस हिसाब से अपनी इंफॉर्मेशन uh, को क्या करना है कलेक्ट करना है इट कैन बी प्रिपेयर ऑन एनी टॉपिक बट द नेचर शुड बी सच डेट स्टूडेंट्स में नॉट मेयरली कॉपी फ्रॉम द बुक्स किसी भी टॉपिक पर हम असाइनमेंट्स को क्या करते हैं प्रिपेयर कर सकते हैं लेकिन ऐसा होना चाहिए कि स्टूडेंट्स क्या ना कर सकें बुक से कॉपी ना कर सके इट शुड बी ओपन एंडेड एंड शुड प्रमोट क्रिएटिविटी अमंग द स्टूडेंट्स यहाँ एक बात आई है ओपन एंडेड की ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है जहाँ पे हम अपने खुद के व्यूज देते हैं कोई भी मान लो टीचर ने हमें स्टूडेंट दिया हम एक पैराग्राफ की फॉर्म में या पॉइंट्स की फॉर्म में अपने खुद के व्यूज क्या है वहाँ पे लिखते हैं जैसे हमारे कुछ कुछ तरह के क्वेश्चन होते हैं ना एम जो हमारे नेट के एग्जाम्स में होते हैं जहाँ पे चार ऑप्शन होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है जहाँ पे हमें खुद को कुछ ना कुछ लिखना होता है वही क्या होता है हमारा ओपन एंडेड होता है ठीक है तो इससे क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी को हम क्या है? Promote करते हैं प्रमोट करते हैं किससे असाइनमेंट्स के थ्रू नेक्स्ट आता है हमारा केस स्टडी द केस मेथड इज अ पार्टिसिपेटरी डिस्कशन बेस्ड वे ऑफ लर्निंग वेअ स्टूडेंट्स गेन स्किल इन क्रिटिकल थिंकिंग कम्युनिकेशन एंड ग्रुप डायनामिक केस मेथड क्या होता है पार्टिसिपेटरी होता है डिस्कशन बेस्ड लर्निंग होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है कुछ न कुछ स्किल्स को क्या करते हैं गेन करते हैं कुछ कम्युनिकेट करते हैं स्टूडेंट्स कैन वर्क थ्रू अ केस ड्यूरिंग क्लास एज अ होल और इन स्मॉल ग्रुप्स केस स्टडी का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी जैसे पर्टिकुलर कोई भी केस है उसको क्या करना अच्छे से स्टडी करना जैसे कई बार एग्जाम्स में काफ़ी एग्जाम्स में ये आता भी है कि केस स्टडी दी जाती है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं तो सही यही एक्टिविटी क्या की जाती है क्लास में भी की जा सकती है ताकि बच्चे कुछ ना कुछ नई नई स्किल्स लेकर आए और उस केस स्टडी को अच्छे से पढ़ के मतलब कुछ ना कुछ नए आइडियाज और उन क्वेश्चन के आंसर्स दे पाएं टीचर्स जनरली स्टार्ट बाई हैविंग स्टूडेंट्स रीड द केस और वॉच अ वीडियो एट समराइजेज द केस टीचर्स क्या करते हैं तो उनको पूरा केस को क्या करते हैं रीड करने को कहते हैं या वो वीडियो लेक्चर्स के थ्रू उस पूरी केस स्टडी को दिखा देते हैं ठीक है जिससे स्टूडेंट्स uh, जो हैं उसकी केस की क्या बना सके समरी बना सके और उसको इजिली अंडरस्टैंड कर सके स्टूडेंट्स देन वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स और इंडिविजुअली टू सोल्व द केस स्टडी देन स्टूडेंट्स क्या है स्मॉल ग्रुप्स में वर्क करते हैं और उनको केस स्टडी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं टीचर्स सेट माइल स्टोन्स डिफाइनिंग वर्ड स्टूडेंट शुड अकम्पलिश टू हेल्प दैम मैनेज देयर टाइम स्टूडेंट टीचर्स क्या है सेट कर देती है कि कितने टाइम में उनको मैनेज करना है उसके स्टडी को पूरा करने के लिए ठीक है उस हिसाब से क्या हो जाता है कॉम्पिटिशन की तरह वर्क करता है ठीक है बहुत इफेक्टिव मैथड है ये लर्नर्स को कुछ भी सीखने के लिए या कुछ भी प्रॉपर अपने आइडियाज या फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए द केसेज कैन बी शॉर्ट फ्रॉम ब्रीफ क्लासरूम डिस्कशन टू लॉन्ग एंड एलेबोरेट सेमेस्टर लॉन्ग प्रोजेक्ट केसेस क्या हो सकते हैं शॉर्ट भी हो सकते हैं ब्रीफ भी हो सकते हैं और काफी लॉन्ग भी हो सकते हैं इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिंग रियल वर्ड प्रॉब्लम इन टू अ क्लासरूम और अ वर्कशॉप हम क्या करते हैं कि कोई भी रियल वर्ड प्रॉब्लम्स को वहां पर लाने की कोशिश करते हैं किस में कोई भी क्लासरूम या फिर वर्कशॉप में दे इन्श्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड मे लीड टू इनोवेटिव सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स इसमें यह इंश्योर होता है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का हो और कुछ ना कुछ वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस लेके आए उन प्रॉब्लम्स के लिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन इट इज अ जनरल टर्म फॉर हाईली स्ट्रक्चर सिस्टम ऑफ लर्निंग विच इज बेस्ड ऑन लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ सेल्फ बेस्ड लर्निंग स्टेप्स विद फीडबैक स्टेप द लर्नर गेट्स इमीडिएट फीडबैक आफ्टर ईच स्टेप प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है इसमें मेन रोल टीचर का माना जाता है वो क्या करके जाती है कि कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स के लिए प्रोग्राम सेट करके जाती है वो बता देती हैं कि उनको ये टॉपिक आज कवर करना है इस टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ लर्न करना है एक प्रॉपर वे में इंस्ट्रक्शंस देके के जाते हैं और स्टूडेंट्स उसी को क्या करते हैं फॉलो करते हैं और अपनी सेल्फ थिंकिंग एबिलिटी को क्या करते हैं इम्प्रूव करते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन टीचर का मेन रोल हो गया कि वो इंस्ट्रक्शन गई और अब लर्नर के ऊपर है कि वो किस तरह से उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके खुद के सेल्फ़ कंसेप्ट को क्या करता है तैयार करता है और आ, Uh, कुछ ना कुछ नॉलेज को क्या करेगा गेन करेगा ठीक है इसमें क्या है लर्नर को हर स्टेप के बाद इमीडिएट फीडबैक क्या है मिलता रहता है जैसे लर्नर ने कुछ ना कुछ तैयार किया उसने टीचर को बताया कि इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ये uh, अपना टॉपिक तैयार किया है उसके बाद टीचर उसको क्या देगा अपना फीडबैक प्रोवाइड कर देगा तो ये होता है हमारा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट हम बात करते हैं पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है पर्सनलाइज का मतलब पर्सनल पर्सनल तरीके से आप क्या कर सकते हैं लर्नर मतलब खुद अपनी कोई भी सब्जेक्ट में कैसे मास्टरी कर सकता है या कैसे खुद से कुछ सीख सकता है यही क्या होता है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन इट कैन बी यूज फॉर ऑल सब्जेक्ट मैटर्स एक्सेप्ट वेयर द स्टूडेंट्स आर टू सिलेक्ट द कंटेंट्स लर्नर मस्ट अचीव मास्टरी ऑफ अ सीरीज ऑफ रिटर्न मास्टर असिस्टेड बाई टीचर्स प्रोक्टर्स एंड एंड रीचिंग लैक्चर्स बिफोर प्रोसीडिंग टू द फाइनल टेस्ट इसमें क्या है कि एक सिस्टम इंस्ट्रक्शन तो टीचर ने दे दी लेकिन उसके बाद में पूरा किस पे रहता है लर्नर पे रहता है कि वो कैसे अपने पर्सनल वेज के थ्रू पर्सनल डिसीजंस के थ्रू उस टॉपिक को या फिर उसी किसी भी टेस्ट को क्या करता है प्रिपेयर करता है इसमें फाइव बेसिक एलिमेंट्स आते हैं कौन कौन से मास्टरी लर्निंग किस हिसाब से वो अपनी लर्निंग में पूरा का पूरा मास्टर होता है सेल्फ पेसिंग खुद के तरीके से याद करना स्ट्रेस ऑन रिटर्न मटेरियल जो भी उसके पास में रिटर्न मटेरियल है जो भी इंस्ट्रक्शन टीचर ने प्रोवाइड करी है उस पर मेन फोकस रहना प्रोक्टर्स एंड लेक्चर्स प्रोक्टर्स और लेक्चर्स जितने भी टीचर्स ने उनको प्रोवाइड किए हैं इंस्ट्रक्शन उन सबको क्या करना फॉलो करना ये क्या होती है पर्सनलाइज सिस्टम ऑफ इंस्ट्रक्शन की खुद के तरी से अपनी जो भी इंस्ट्रक्शंस को क्या करना फॉलो करना टीचर एक गाइड जरूर है आपको प्रोवाइड करने के लिए लेकिन मेन काम क्या है इसमें लर्नर का ही माना जाता है नेक्स्ट मेथड है हमारा ह्यूरिस्टिक मेथड लास्ट मेथड है हमारा लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड का दिस मेथड वाज एडवोकेटेड बाय प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग इन दिस मेथड द स्टूडेंट हैज टू फाइंड आउट द आंसर टू हिज हर ऑन प्रॉब्लम बाय अनएडेड एफर्ट्स ये मेथड किसने दिया था प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया था, था. इसमें स्टूडेंट है वो आंसर फाइंड करता है अपने खुद के एफर्ट से दस द चाइल्ड बिकम्स अ डिस्कवरर ऑफ नॉलेज बाय डेवलपिंग अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी हेरिस्टिक मेथड का मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम है खुद से उसका कुछ ना कुछ आंसर निकल निकला लाना उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही इसमें देखा गया है जिससे हमारा चाय जो भी स्टूडेंट है वो क्या बन जाता है डिस्कवरर और नॉलेज बन जाता है कि कुछ ना कुछ उसने नॉलेज को क्या किया डिस्कवर किया द मेन main...

करें तो यही क्या था हमारा मेथड था ठीक है तो ये हो गए हमारे लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स पांच तरीके के हमने पढ़ लिए और हमारा यहां पे आज मेथड्स ऑफ टीचिंग का टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप आपको पूरे मेथड्स इजिली समझ में आ गए होंगे तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए Thank you.